हेलो एवरीवन, देखिए अब यूनिट थर्ड का डी पार्ट स्टार्ट करेंगे, क्लासिफिकेशन ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल्स। तो देखो इसका जो फर्स्ट टॉपिक है वो क्या है हमारे पास, बोर मैग्नेटन, या फिर हम इसको क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट ऑफ एन एटम। एटम का मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट किसकी वजह से, ड्यू टू द रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन। तो मतलब दो तरीके से ये टॉपिक आ सकता है आपके पास, या तो बोर मैग्नेटन के नाम से आएगा या फिर आएगा कि मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट ऑफ एन एटम ड्यू टू रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन। मतलब एटम में क्या होता है आपके पास, जो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं उसकी वजह से जो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट होती है वो आपको बतानी है, ठीक है। तो देखो जरा, जैसे मान लो कोई एटम है, कोई एटम का ये हमने कहा ये न्यूक्लियस हो गया, ठीक है, ये न्यूक्लियस हो गया, और इस न्यूक्लियस में अगर हम देख रहे हैं, ठीक है, जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इस तरीके से, मान लो ये न्यूक्लियस बनाया मैंने इसका सेंटर में, ठीक है, इसमें क्या होता है हमारे पास प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, ठीक है, और इसके चारों तरफ जो चक्कर काटते हैं वो क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है। तो मैंने लेट कर लिया कि ये इलेक्ट्रॉन यहाँ रिवॉल्व कर रहा है वी वेलोसिटी से, जिसका मास एम है, ठीक है, इस तरीके से ये रिवॉल्व कर रहा है, क्लियर। अब देखना जरा, ध्यान से समझना इस बात को, अगर इलेक्ट्रॉन इस तरीके से रिवॉल्व कर रहा है तो इसके अपोजिट क्या होगा, करंट आएगा। समझ रहे हो इतनी बात या नहीं, बताओ जरा, समझ रहे हो ना। तो एक तरह से ये ऐसा लग रहा है कि करंट आ रहा है, करंट मूवमेंट हो रही है, ठीक है। अब देखना जरा कि इसमें नॉर्थ और साउथ पोल आपको पता है कैसे बनते हैं। देखो जरा एक चीज़ को समझो, जैसे आप ये चीज़ है, जैसे मान लो, ठीक है, ये ऑर्बिट है इसका जिसमें इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे हैं, ठीक है, ये ऑर्बिट मैंने बनाया हुआ है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन ऐसे रिवॉल्व कर रहा है ऐसे, इस तरीके से, मतलब इलेक्ट्रॉन जा रहा है ऊपर की तरफ तो उसके अपोजिट करंट आएगा, समझ रहे हो। तो यानी कि करंट कैसा हो गया आपके पास, यहाँ पर क्लॉकवाइज हो गया, ठीक है। अब समझना इस बात को, करंट वाले को, ये मैंने पहले भी समझाई है आपको बात इस तरह की। देखो करंट ऐसे चल रहा है, अगर आप इस साइड से देख रहे हो करंट ऐसे चल रहा है, क्लॉकवाइज ऐसे चल रहा है, ठीक। अब यही चीज़ अगर आप इस साइड से देखोगे, अगर यहाँ से आप देख रहे हो, इस साइड से देख रहे हो, तो करंट आपको क्लॉकवाइज दिख रहा है, लेकिन यही चीज़ अगर आप इस साइड से देखोगे तो आपको यही चीज़ क्या लगेगी कि एंटी क्लॉकवाइज है। ये आप करके देख लेना चाहे, समझ रहे हो, करंट ऐसे ही मूव हो रहा है, लेकिन इधर से देख रहे हो तो क्लॉकवाइज है, इधर से देखोगे तो एंटी क्लॉकवाइज है। अब ये चीज़ मैंने आपको बता रखी है, जब भी क्लॉकवाइज करंट होगा इस तरीके की लूप में या एंटी क्लॉकवाइज होगा तो पोल बनते हैं हमारे पास। देखो कैसे, जैसे अगर हम मान लें क्लॉकवाइज करंट है, ठीक है, एक ही लूप है उसी में, जैसे ये एक ही ऑर्बिट है, इसी में ही हमें दो तरीके से दिखाई देगा, इस साइड खड़े हैं तो क्लॉकवाइज, इस साइड खड़े हैं तो एंटी क्लॉकवाइज। तो अगर ऐसे ये मूव कर रहा है तो ये क्या है, क्लॉकवाइज करंट हो गया। अगर क्लॉकवाइज करंट है तो ये बनता है साउथ पोल, पता है आपको, ये पहले भी बताया था मैंने, ठीक है। और अगर करंट कैसा दिखाई दे हमें, एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज मतलब इस तरीके से, तो ये कौन सा पोल बनाता है, नॉर्थ पोल बनाता है। कौन सा बनाता है, ये नॉर्थ पोल बनाता है, समझ रहे हो ये बात। ये मैंने आपको बताया भी हुआ है, देखो इसकी डायरेक्शन ऐसी है तो ये ऐसे में भी ऐसी बनी है डायरेक्शन, ये नॉर्थ ऐसे बनाया है तो ये ऊपर है करंट, तो ये ऊपर ही बना है, ठीक है। अब अगर इसमें आप साउथ बनाते हैं ना तो कभी बन ही ना पाता, साउथ में इसका ये पॉइंट नीचे आता तो इसमें नहीं बन सकता था। तो हमेशा ही करंट जहां से हमें दिखाई दे रहा है कि एंटी क्लॉकवाइज है वो नॉर्थ पोल बनता है, और जहां से दिखाई दे रहा है क्लॉकवाइज वहां से साउथ पोल बनता है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि ये एटम अब बिहेव कैसे कर रही है, क्योंकि इसमें करंट इस तरीके से दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो मतलब क्या है, दो पोल है नॉर्थ साउथ, तो नॉर्थ साउथ पोल है तो वहाँ मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट भी होगी उसकी, समझ रहे हो ना ये बात। जैसे बार मैग्नेट में होती थी इस तरीके से यहाँ पर भी है, तो उसकी वैल्यू हम देखेंगे कि क्या होगी, ठीक है, और वहीं से ही हमें बार मैग्नेटन भी पता चलेगा। क्या इतनी बात क्लियर है या नहीं है, यही चीज़ें मैंने यहाँ लिखी हैं। देखो क्या कह रहा है, लेट इलेक्ट्रॉन इज रिवॉल्विंग अराउंड अ न्यूक्लियस इन अ फिक्स्ड ऑर्बिट, ठीक है, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है न्यूक्लियस के अराउंड फिक्स्ड ऑर्बिट में। ऑन व्यूइंग फ्रॉम वन साइड करंट इज फाउंड टू बी एंटी क्लॉकवाइज, एक साइड से करंट कैसा दिख रहा है, एंटी क्लॉकवाइज, तो वो हमारा होगा नॉर्थ पोल। और वाइस वर्सा लिखा है, मतलब दूसरी साइड से वो कैसा दिख रहेगा करंट, क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज दिखेगा तो वो कैसा फाउंड हुआ है हमें, साउथ पोल, समझ रहे हो ये बात। तो कह रहा है इन दिस वे एन एटम बिहेव्स लाइक अ डाइपोल, समझ रहे हो, अगर वो डाइपोल है तो उसकी क्या होगी, मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट भी होगी, क्योंकि डाइपोल हो गए हैं तो मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट भी होगी। क्या इतनी बात क्लियर है या नहीं है, ठीक है। तो देखो जरा यहाँ लिखता हूँ मैं, डाइपोल मोमेंट, समझ में आ रहा होगा, ठीक है, मोमेंट ऑफ सच डाइपोल इज गिवन बाय, बताना जरा क्या होगी इसके लिए मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, एम। देखो नॉर्मल मैंने आपको बताया हुआ है एम क्या होता था, एन आई ए होता था, ठीक है, नंबर ऑफ अगर ऑर्बिट होते थे या नंबर ऑफ टर्न्स होते थे तो एन आई ए आ जाता था, ठीक है। यहाँ सिंगल की बात हो रही है तो ये हम इसको क्या लिख सकते हैं, आई ए लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, आई ए। कितनी बात क्लियर है, यहाँ एन को वन समझना तो आई ए लिख दिए, क्लियर है बात इतनी। और मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट के आपको ऐसा यूनिट भी पता है क्या होते हैं, आई करंट एम्पियर और ए एरिया मतलब मीटर स्क्वायर, तो एम्पियर मीटर स्क्वायर इसके क्या होते हैं, ऐसा यूनिट होते हैं, क्लियर है इतनी बात, ठीक है। इसको मान लो फर्स्ट इक्वेशन, क्लियर। अब देखो जरा मुझे बताओ जरा करंट की क्या वैल्यू होती है,
करंट होता है चार्ज अपॉन में टाइम, चार्ज होता है क्यू और टाइम होता है टी। क्लियर है इतनी बात। यहाँ से हम टाइम की वैल्यू निकालते हैं। देखो टाइम आपको पता है क्या होता है, टाइम डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। देखो जरा, अब यहाँ पर जो ये इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा था इसके लिए डिस्टेंस क्या है बताओ जरा। डिस्टेंस यही सर्कल हुआ ना, ठीक है। और इस सर्कल की लेंथ को हम क्या बोलते हैं, सर्कमफ्रेंस बोलते हैं, ठीक है। और इसको हम किस तरीके से लिखते हैं, 2πr। तो वही इसका डिस्टेंस होगा, ये मैंने आपको बहुत बार बताया भी हुआ है। सर्कल में जो ये सर्कल की ये जो लेंथ है ये क्या होती है, इसका डिस्टेंस ही होगा, इलेक्ट्रॉन तो इसी के ऊपर घूम रहा है ना, तो इसका डिस्टेंस हो गया। और इसकी वैल्यू क्या होती है सर्कमफ्रेंस की सर्कल की, 2πr होती है। तो यहाँ लिखेंगे हम 2πr, और ये रही आपके पास यहाँ पर इसकी रेडियस r, समझ रहे हो, ठीक है। इस ये जो ऑर्बिट है इसकी रेडियस कितनी है, r हो गई। तो 2πr अपॉन में स्पीड किस वेलोसिटी से था, ये v वेलोसिटी से मूव कर रहा था। क्या इतनी बात क्लियर है या नहीं है, ठीक है। अब देखो जरा इस वैल्यू को हम इसमें पुट करते हैं करंट में, तो I इज इक्वल टू में क्यू बाई टी है, टी की वैल्यू हो गई 2πr, और ये वी नीचे आएगा तो मैं ऊपर लिख सकता हूँ या नहीं, समझ रहे हो बात को। Q बाई टी था ना, Q ऊपर ही रहने दिया, 2πr बाई वी आना था, V ऊपर चला गया, समझते होंगे ये सब चीज़ें। तो ये हमारे पास आ गई सेकंड इक्वेशन। क्या इतनी बात क्लियर है या नहीं है, ठीक है। अब देखो एक सर्कल है, सर्कल का एरिया आपको पता ही है क्या होता है बताओ, एरिया ए क्या होता है, एरिया पाई आर स्क्वेयर होता है। इसको मान लो आप थर्ड। अब हम क्या कर रहे हैं एक्चुअल में, हम क्या कर रहे हैं, ये आई की वैल्यू निकाल ली हमने पहले, तो ठीक है। आई में जैसे टी नहीं पता था तो टी निकाला पहले, टी की वैल्यू पुट करी, ठीक है। फिर आई प्रॉपर आ गया हमारे पास ये सेकंड इक्वेशन में। अब एरिया भी पता चल गया पाई आर स्क्वेयर है, तो सेकंड और थर्ड को किस में पुट कर दो, फर्स्ट में। तो हम यहाँ लिखेंगे कैसे, पुट सेकंड एंड थर्ड इन फर्स्ट। तो फर्स्ट में पुट करेंगे तो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट क्या आ जाएगी हमारे पास, आई की वैल्यू कितनी है, क्यू वी बाई में 2πr, और एरिया हो गया पाई आर स्क्वेयर। देखो एक पाई से एक पाई कैंसिल हो गई यहाँ पर, ठीक है, और एक आर इसका इसके साथ कैंसिल हो गया, तो बचा क्या यहाँ पर, यहाँ पर बचा क्यू वी आर और अपॉन में 2 बच गया। ये आ गई मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, अभी प्रॉपर नहीं आई है, ठीक है, ये आया है हमारे पास, ठीक है। इसको मान लो अभी फोर्थ इक्वेशन, कौन सी इक्वेशन मान लेंगे हम, फोर्थ इक्वेशन मान लेंगे, ठीक है। अब देखो जरा, जो ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम होता है ना, वो होता है इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ एच बाई 2π, ये याद रखना। एक एंगुलर मोमेंटम होता है वो क्या होता है हमारे पास, mvr होता है, ठीक है। और ऑर्बिटल एंगुलर, जो ऑर्बिटल्स में होता है एंगुलर मोमेंटम इलेक्ट्रॉन का, वो क्या होता है, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ एच बाई 2π। इंटीग्रल मल्टीपल n से मल्टीप्लाई करेंगे उसमें जितनी भी ऑर्बिट होंगे उसके अकॉर्डिंग, ठीक है। फर्स्ट ऑर्बिट सेकंड का निकाल रहे हैं या थर्ड का निकाल रहे हैं, तो वो n की वैल्यू होती है वहाँ पर। क्लियर है इतनी बात, ठीक है। अब देखो जरा यहाँ पे, यहाँ लिखेंगे हम द ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज इंटीग्रल, क्या बोला है हमने, इंटीग्रल मल्टीपल, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ क्या बताया था, एच बाई 2π। इसका मतलब क्या हुआ कि एंगुलर मोमेंटम एल से डिनोट कर रहे हैं, इसका मतलब इंटीग्रल मल्टीपल में मतलब क्या हो गया, एन एच बाई 2π, ये एन है, ठीक है। और एन की वैल्यू यहाँ हो सकती है आपके पास 1, 2, 3 अप टू सो ऑन, समझ रहे हो इतनी बात। ये तो हो गया हमारे पास ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम, और जो एंगुलर मोमेंटम होता है एक, वो क्या होता है आपके पास नॉर्मल वाला, वी नो एंगुलर मोमेंटम क्या होता है हमारे पास, एम वी आर। तो एल इज इक्वल टू में क्या होता है, एम वी आर, ठीक है, एम वी आर। क्लियर हुई बात इतनी या नहीं बता दो, इतनी बात क्लियर है या नहीं है बताओ। अब देखो जरा, दो एंगुलर मोमेंटम है, एक तो हो गया एल इज इक्वल टू में एम वी आर वाला, और एक ये नीचे जो हमने ऑर्बिटल वाला लिया एन एच बाई 2π, ये इक्वल होंगे, ठीक है, इनको इक्वल रखेंगे यहाँ पर। तो देखो जरा क्या आ जाएगा यहाँ से हमारे पास, एम वी आर ये वाला और एन एच बाई 2π वाला, ये वाला एंगुलर मोमेंटम और जो हमारे पास ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम है, इनको इक्वेट किया हमने। तो यहाँ से देखना जरा अब आपके पास क्या वैल्यू आती है। देखो अगर आप देख रहे हो फोर्थ इक्वेशन में, देखो फोर्थ इक्वेशन में यहाँ वी आर चाहिए हमें, वी और आर, ये देखना जरा, ये वी और आर की वैल्यू यहाँ से निकलेगी। अब देखो जरा ये वी और आर की वैल्यू, देखो वी आर यहीं रहने देंगे और एन एच बाई 2πm यहाँ रख दिया। कितनी बात क्लियर हो रही है या नहीं। इसको मान लो फिफ्थ इक्वेशन, और अब इसको करो पुट करो फिफ्थ को इन फोर्थ, फोर्थ में पुट करेंगे तो देखो जरा क्या आएगा अब आपके पास,
एम इज इक्वल टू में फोर्थ इक्वेशन अगर आपको दिखाई दे रही है यहाँ पर, तो देखो जरा क्या है ये, क्यू वी आर बाई टू, तो क्यू बाई टू तो है ही है, और वी आर ये वाला इसकी वैल्यू यहाँ से ये पुट कर देंगे हम, तो ये क्या लिख देंगे एन एच बाय टू पाई एम। तो ये देखो जरा क्या आ जाएगी अब आपके पास ये वैल्यू, देखो ये आ गई क्यू एन एच बाय टू टू द फोर, ये आ गई फोर पाई एम, ये आई मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। क्या इतनी बात क्लियर हुई है या नहीं है बताओ। एन क्या है यहाँ पर हमारे पास, ऑर्बिट को डिनोट करेगा, नंबर ऑफ ऑर्बिट, वन टू थ्री जो भी है, ठीक है। क्लियर है इतनी बात या नहीं बता दो जरा, ठीक है। अब देखो जरा यहाँ पे अगर जैसे हमने एक फर्स्ट ऑर्बिट के लिए था तो वन वैल्यू रखेंगे तो क्यू एच बाई क्या आ जाएगी, फोर पाई एम आ जाएगी आपके पास। क्या इतनी बात क्लियर है, देखो जरा यहाँ से अगर मैं यहाँ पर m इज इक्वल टू में ये n यहाँ रख दूँ और ये क्यू एच बाई जो फोर पाई एम है, ठीक है, इसको मैं यहाँ लिख दूँ म्यू बी, तो यहाँ मैं लिख देता हूँ म्यू बी की वैल्यू कितनी है, क्यू एच बाई फोर पाई एम रखी है मैंने, ठीक है, ये समझ रहे हो बात। अब ये म्यू बी क्या है, म्यू बी क्या होगा, ये होगा आपके पास बोहर मैग्नेटन, ये जो वैल्यू होती है ये क्या होती है, बोहर मैग्नेटन, बस n हट गया, ठीक है, बाकी सारी वैल्यू जो है इसको हम क्या बोल रहे हैं, बोहर मैग्नेटन, और यही किसके इक्वल होता है, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट के इक्वल होता है। क्या इतनी बात क्लियर है या नहीं है बताओ जरा, इतना समझ में आ रहा है क्या, ठीक है। तो इसलिए अगर म्यू बी की वैल्यू ये रख दी हमने तो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट ये आ गई, ठीक है। और यहाँ से आपको एक चीज़ पता चल रही है, अगर एन की वैल्यू वन है तो बोहर मैग्नेटन ही क्या है, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट के इक्वल है, समझ रहे हो, ये मिनिमम मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट है क्योंकि फर्स्ट ऑर्बिट के लिए बात करेंगे अगर हम एन वन रखते हैं यहाँ पर। क्या इतनी बात क्लियर हो रही है या नहीं हो रही है बताओ जरा, ठीक है। अब देखो जरा अगर आप इसमें वैल्यू रखोगे, देखो मैं आपको बता देता हूँ h क्या है यहाँ पर, प्लैंक्स कांस्टेंट है, ठीक है। q की वैल्यू आपको पता ही है क्या होती है, 1.6 इनटू में 10 की पावर माइनस 19, देखो यहाँ लिख देता हूँ मैं वैल्यू, q की वैल्यू आपको पता है 1.6 इनटू 10 की पावर माइनस 19 होती है, ठीक है। और h जो होता है ये होता है प्लैंक्स कांस्टेंट, इसकी वैल्यू होती है 6.6 इनटू 10 की पावर माइनस के 34 होती है, ठीक है। और 4 पाई पाई की वैल्यू पता है 22/7 होती है, और मास मास इलेक्ट्रॉन का क्या होता है, 9 इंटू में 10 की पावर माइनस 31 kg, ये होता है, ठीक है। ये सारी वैल्यू जब यहाँ पुट करोगे आप तो आपके पास जो सोल्व करके आएगा आंसर वो क्या आएगा, यहाँ मैं लिख देता हूँ, जो सोल्व करके आएगा आपके पास ये आ जाएगा आपके पास 9.27 इंटू में 10 की पावर माइनस के 24 इंटू में 10 की पावर माइनस 24, और साथ में हम क्या लिखेंगे, एम्पियर मीटर स्क्वेयर। अब ये एम्पियर मीटर स्क्वेयर कहाँ से आया, क्योंकि मैंने आपको बताया एन की वैल्यू वन रखो तो ये बोहर मैग्नेटन ही किसके इक्वल है, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट के, और मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट के आपको ऐसा यूनिट बताए थे क्या थे, एम्पियर मीटर स्क्वेयर, तो वही रखेंगे हम यहाँ, ठीक है। अब यहाँ पर वैल्यू पुट करके सोल्व करने की जरूरत नहीं है, ये आपको याद ही रखना है, ठीक है, कहीं वहाँ बैठने हो इसको सोल्व करने, ठीक है, वैसे रफली आप कर सकते हो, तो देखना यही आंसर आएगा 9.27 इंटू 10 की पावर माइनस 24 एम्पियर मीटर स्क्वेयर, ये क्या है, बोहर मैग्नेटन की वैल्यू है, ठीक है। और ये मिनिमम मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट भी है, समझ लो ऑर्बिट वन के लिए, समझ रहे हो, तो यही चीज़ हमने यहाँ पर भी लिखी है, और यहाँ पर मैं इसको लिख भी देता हूँ, ठीक है, यहाँ लिख देता हूँ ये चीज़, इसको हमने क्या बोला है, बोहर्स मैग्नेटन, ठीक है, तो इसको लिख देते हैं हम, इट इज़ नोन एज बोहर मैग्नेटन, ठीक है, ये होता है आपके पास म्यू बी वाला, क्लियर, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, ठीक है। तो यही बात हमने यहाँ पर लिखी हुई है, देखो इसको समझो, कह रहा है सो बोहर मैग्नेटन एज द मिनिमम मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, यही बता रहा था मैं, मिनिमम मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट है एसोसिएटेड विद एन एटम ड्यू टू ऑर्बिटल मोशन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन द फर्स्ट ऑर्बिट, ठीक है। जैसे मैं हम लोग अब यहाँ पर m इज इक्वल टू में म्यू भी रख देंगे हम, ठीक है, ये किसके लिए है, फॉर n इक्वल टू वन के लिए, समझ रहे, यही लिखा हुआ है यहाँ पर फर्स्ट ऑर्बिट के लिए, ठीक है। तो बोहर मैग्नेटन क्या है, मिनिमम मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट है जो कि एटम से एसोसिएटेड है, किसकी वजह से, मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से, क्योंकि उसकी वजह से करंट आया तभी वहाँ डाइपोल बने और मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट बनी, और कौन से ऑर्बिट के लिए, फर्स्ट ऑर्बिट के लिए, यही चीज़ हमने यहाँ पर लिखी हुई है, ठीक है। तो आ गया होगा समझ में, ठीक है, तो इंपॉर्टेंट है इसको अच्छे से कर लेना टॉपिक को, क्लियर, समझ रहे हो, ठीक है। तो एक बार इसको अच्छे से नोट कर लो और प्रैक्टिस करो, ये डेरिवेशंस की जितनी प्रैक्टिस करोगे आपके लिए उतना ही अच्छा होगा, समझ रहे हो, ठीक है, ओके जी, थैंक यू।